हेलो दोस्तों, एसीपी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय, जो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेशनल इनकम, इससे संबंधित क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। तो दोस्तों वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक देखिएगा, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास तक पहुंच जाए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब राष्ट्रीय आय के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें एक समस्या है कि कैसे इसको निकाला जाता है, राष्ट्रीय आय, इतना जनसंख्या हम कैसे निकालेंगे। यदि हमको मान लीजिए कोई परिवार का आय के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो परिवार में मान लीजिए तीन चार आदमी है, यदि एक कमाता है, कहने का मतलब यदि परिवार का मुखिया मान लीजिए कमा रहा, तो हम उससे पूछ लेंगे कि आपका वेतन कितना है या कितना कमाते हैं। तो यदि 20,000 है तो उस परिवार का इनकम कितना हो जाएगा, तो 20,000 हो जाएगा। साथ ही यदि कभी ऐसा हो जाता है कि परिवार में दो आदमी कमा रहा, तो कोई 20,000 कमा रहा है और दूसरा जो 10,000 कमा रहा है, तो वहां का इनकम हमारा कितना हो जाएगा, तो कुल मिला के 30,000 हो जाएगा। अब परिवार वाला तो हम चलो निकाल लिए, अब कोई गांव का यदि हम निकालते हैं इनकम, तो गांव में भी चलिए हम गिन करके किसी तरह निकाल लेंगे। जब देश का बात आता है तो यहाँ पे एक समस्या आ जाता है कि कैसे होता है ये। तो दोस्तों इसमें याद रखना है कि सरकार क्या करती है, जो रिटर्न भरता है इनकम टैक्स का, तो उसकी गणना करके सरकार निकाल लेती है। तो राष्ट्रीय आय हम लोग पढ़ेंगे, तो राष्ट्रीय आय समझने से पहले दो चीज आप लोगों को समझ लेना बहुत जरूरी है। यदि आप ये नहीं समझे तो समझिए आपको पूरा राष्ट्रीय आय जो चैप्टर है आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो हम आपको बता रहे हैं, बहुत आसान है, एकदम आसानी से समझ में आएगा, सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो दो चीज में क्या किया, तो एक तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है, एक होता है साधन लागत। क्या बताएं दोस्तों, साधन लागत। तो साधन लागत जो है इसको इंग्लिश में फैक्टर कॉस्ट बोला जाता है। साधन लागत जो आपको बता रहे ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। और एक होता है आपका बाजार मूल्य। क्या बताएं, बाजार मूल्य। दोस्तों ये जो बाजार मूल्य हम आपको बता रहे हैं, ये हो गया आपका मार्केट प्राइस। तो हम आपको एक बताए साधन लागत, दूसरा हो गया बाजार मूल्य। तो ये दो चीज हम लोगों को समझ लेना है। आगे आप लोगों का पूरा चैप्टर जो है ये इजी हो जाएगा, बस इसको समझ लीजिए आप बढ़िया से। तो साधारण लागत का जब बात आता है, तो साधारण लागत क्या होता है और बाजार मूल्य क्या होता है, ये फैक्टर कॉस्ट हो गया, ये हो गया आपका मार्केट प्राइस। देखिए यदि हमको कोई वस्तु बनाना, हम आपको साधन लागत के बारे में बता रहे हैं। मान लीजिए कि कोई वस्तु हम बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम ये डस्टर बना रहे हैं, ठीक, अभी मेरा हाथ में डस्टर है, तो हम इसी का एग्जांपल आपको देंगे। तो डस्टर यदि हम मान लीजिए बना रहे हैं, तो इसको बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, थोड़ा सोचिए आप लोग कि ये बना रहे हैं तो इसके लिए हमको क्या, ये तो अपने बन के तैयार नहीं हो जाएगा, ऐसा होगा कि अपने बन के तैयार हो जाएगा, तो इसको बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगा। तो ये बनाने के लिए हमको सबसे पहले तो एक लैंड का जरूरत पड़ेगा, थोड़ा बहुत जमीन वगैरह चाहिए कि नहीं चाहिए बनाने के लिए। अब जमीन चाहिए, हम जहां बनाएंगे वो जगह चाहिए, साथ में हमको लेबर भी चाहिए, बनाने वाला तो चाहिए, साथ में हमको पूंजी भी चाहिए। अब पूंजी के अलावा हमको उद्यमी भी चाहिए जो इसमें पैसा लगाएगा। तो यहां से देखिए समझना है कि मान लीजिए कि कोई सामान हम बना रहे हैं, तो हमने वहां पे लैंड के लिए 3 रुपया दिया, कितना रुपया दिया, 3 रुपया। फिर हमने लेबर को 3 रुपया दे दिया, कितना रुपया बताया, 3 रुपया। फिर याद रखिएगा 3 रुपया हमारा पूंजी लग गया। इसके अलावा उद्यमी को हम दे दिए कितना रुपए, तो 3 रुपये। एकदम बहुत ईजी है, कोई तकलीफ नहीं होगा, सिर्फ देखते रहिए बढ़िया से। देखिए तो 3 रुपया हमारा क्या हो गया, तो 3 रुपये जो है ये हमारा लैंड का खर्चा हो गया, हम भर वाली चीज जमीन का भाड़ा उड़ा दे दिए 3 रुपये। फिर हमारा 3 रुपया हम लेबर को दे दिए, 3 रुपये हम किसको दिए, तो 3 रुपये हमारा पूंजी लग गया, और 3 रुपये हम उद्यमी को दे, कुल मिला करके हमारा कितना हो गया, तो 12 रुपये हो गया। अब याद रखना है 12 रुपये हमारा जो है ये हमारा क्या निकल गया, तो साधन लागत निकल गया। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि साधन लागत किसको कहा जाता है, साधन लागत किसको, तो किसी सामान को बनाने में जो मूल लागत होती है ना, कोई सामान जैसे हम आपको डस्टर के बारे में बताएं, तो डस्टर को बनाने में जो, इसको बनाने में जो मूल लागत होती है उसको साधारण लागत। तो मूल लागत क्या हो गया, तो जमीन मान लीजिए जहां बना रहे उसका हम खर्चा दिए, लेबर का खर्चा दिए, पूंजी लगा, उद्यमी को देना पड़ा। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, तो किसी सामान को, हम बार बार बोल रहे हैं, किसी सामान को बनाने में जो मूल लागत होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो साधन लागत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साधन लागत। कोई समस्या नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, फिर समझाएंगे। तो याद रखना है दोस्तों, अब होता क्या है कि साधन लागत जो होता है इसमें सरकार टैक्स जोड़ देती है, इनडायरेक्ट टैक्स।
तो मान लिया जाए कि साधन लगा तुमने, सरकार टैक्स जोड़ दिया कितना रुपया जोड़ दिया, तो चलो 3 रुपया जोड़ दिया। तो यहाँ पे आपको समझना है कि याद रखिएगा साधन लागत जो होता है उसमें टैक्स जुड़ता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टैक्स किसमें जुड़ता है, तो साधन लागत में टैक्स जुड़ता है। साधन लागत हम आपको बता रहे हैं कि याद रखिएगा फैक्टर कॉस्ट जो है उसमें टैक्स ऐड होता है, ये याद रखना है। तो हमारा साधन लागत 12 रुपए हुआ और इसमें टैक्स हम कितना जोड़ दिए, तो 3 रुपए जोड़ दिए, मतलब ये कुल मिला करके हमारा कितना हो गया, तो 15 रुपए हो गया। कितना हो गया, 15 रुपए। अब दोस्तों कभी कभी आप लोगों को ये सुनने को आता है, देखिए हमें सब मिलता होगा कि सब्सिडी देती है सरकार, तो ये सब्सिडी होता क्या, इसमें भी वो क्वेश्चन आता है कि सब्सिडी आखिर क्या है, क्या सब्सिडी है, क्या देता है, बताते हैं समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे अभी सुनते होंगे आप लोग कि गैस सिलेंडर में सरकार सब्सिडी दे रही है, दे रही है कि, तो सरकार कुछ छूट देती है कि आप मान लीजिए आपसे लिया पैसा उसमें से कुछ आपको वापस कर देती है, ठीक। तो यहाँ पे यदि मान लिया जाए कि सरकार 3 रुपए टैक्स ले रहा है, ठीक, और आपको सब्सिडी दे रहा है कितना, तो 1 रुपया दे रहा है, ठीक, मतलब आपको देना कितना पड़ रहा है, 2 रुपया, 1 रुपया आपको मिल जाता है। तो सब्सिडी यदि आपको 1 रुपये देता है तो हम 15 में 1 माइनस कर देंगे ना, तो हमारा 14 रुपये होगा। ये जो 14 रुपये हुआ ना दोस्तों, ये जो 14 रुपये हुआ याद रखिएगा, ये हमारा हो गया बाजार मूल्य, क्या हो गया, बाजार मूल्य। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को कि साधन लागत क्या होता है और बाजार मूल्य क्या होता है, कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पे ये तो आप लोग समझ गए। अब देखिए हम लोग आ जाते हैं इसकी अवधारणा में कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है। ये बहुत ही इजी है, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं सकल घरेलू GDP, GNP, NNP, NI, ये सब क्या है समझेंगे हम लोग, तो इसको मिटा देते हैं, ये समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे तो और एक बार रिपीट करके देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। तो दोस्तों साधन लागत और बाजार मूल्य तो हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग समझते हैं इसकी अवधारणा। तो अवधारणा का जब बात आता है तो सबसे पहले हमारा आता है GDP। तो GDP में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि GDP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी क्वेश्चन में रहता है, कई बार दिया है क्वेश्चन में। तो याद रखिएगा GDP क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जो डोमेस्टिक बोल रहे हैं ना, इसका मतलब ही घरेलू होता है। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, घरेलू होता है। तो याद रखिएगा GDP को समझिए, इसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो याद रखिएगा एक वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, एक वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, हम बाहर नहीं बोल रहे, देश के अंदर का बातचीत हो रहा है, बाहर का बातचीत नहीं हो रहा है। तो याद रखिएगा किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर कोई वस्तु और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होगा, किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर कोई वस्तु और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होगा उसको सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, उसको GDP कहा जाता है। क्या कहा जाता है, GDP। दोस्तों यहां आपको समझना है कि GDP जो होता है इसमें घरेलू उत्पाद को मापा जाता है, विदेश वाला नहीं। GDP में जो आपका घर में, आपका जो देश में जो वस्तु होगा उसका अंतिम मूल्य, और याद रखिए सेवाओं का अंतिम, मतलब ये कि कोई वस्तु यदि बन रहा है तो याद रखिएगा माध्यमिक वाला हम नहीं जोड़ सकते हैं, वो जब तक बन के तैयार हो जाएगा पूरी तरह से उसके बाद का जो रेट होगा उसको हम जोड़ेंगे, वो मूल्य जोड़ेंगे। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो याद रखिएगा हम आपको बता रहे हैं कि इसमें माध्यमिक वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है, सिर्फ अंतिम उपभोग के लिए जो प्रयुक्त होता है, अंतिम उपभोग के लिए जो प्रयुक्त वस्तु होता है उसको शामिल किया जाता है। तो GDP तो आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों कि एक वर्ष में किसी भौगोलिक सीमा के अंदर, मतलब देश के अंदर जो वस्तु होता है, सेवाएं होता है, उसका जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है उसको क्या बोलते हैं, तो GDP बोलते हैं। क्या बोलते हैं, GDP। इसका फुल फॉर्म आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब GDP तो समझ गए हैं, तो GDP के बाद आप लोग आ जाइए GNP में। अब GNP दोस्तों क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप लोग बढ़िया से समझ लीजिएगा कि GNP आखिर होता क्या है। आप देखिए GNP हम आपको बता रहे हैं, GDP के बाद क्या हो गया, तो GNP समझना है दोस्तों। GNP का फुल फॉर्म देखिए यहां क्या हो जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहां पे घरेलू के बाद जगह क्या हो गया, तो राष्ट्रीय हो गया। GNP का फुल फॉर्म क्या बताए, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, GNP।
अब देखिए जो जीएनपी हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, जीएनपी देखिए, एक वर्ष में किसी देश में नागरिक द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है, मतलब इसमें हम लोग देखिए क्या करते हैं कि कभी कभी आप लोग ऐसा देखने को मिलता है कि हमारा देश जो है भारत, तो भारत से बहुत आदमी विदेश में रहता है। तो विदेश में कहां, तो जैसे अमेरिका में मान लीजिए रहता है, इसके अलावा चीन में जाके रहता है, कई देशों में जैसे सऊदी अरब में जाकर के रहता है। अब याद रखिएगा, दूसरा देश में जाकर के आदमी रहता है, तो दूसरा देश में भारत का आदमी जो रहता है तो लोग यहाँ पैसा भेजता होगा कि नहीं अपने परिवार वालों को, तो ये लोग जो भारत में पैसा भेजता है ना, समझना है दोस्तों, उसको जो है जीडीपी में जोड़ लिया जाता है। बात समझे क्या बोले, हम आपको बताएं जीएनपी कैसे निकाला जाता है। तो देश का आदमी, हमारे देश का आदमी जो विदेश में जाके रहता है और वहां विदेश से जो भारत में वो पैसा भेजता है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, जीडीपी में जोड़ लेंगे। साथ ही आप लोगों को यह भी पता होगा कि विदेश का व्यक्ति जो है ये भी तो भारत में आकर के रहता है ना, रहता है कि नहीं रहता है, विदेश का व्यक्ति भारत में आकर के रहता है। अब याद रखिएगा, तो विदेश का जो आदमी है अब वो भारत में आके रहता है, तो यहां से भारत से भी तो वो विदेश में पैसा भेजता होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, तो भारत से जो विदेश में पैसा जाता है इसको हम लोग जीडीपी से घटा देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, तो जीएनपी निकल जाता है। क्या निकल जाता है, जीएनपी। नहीं समझे, फिर समझाते हैं। देखिए हम आपको बताएं कि जीएनपी कैसे निकालते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारे देश का जो आदमी विदेश में जाके रहता है, ठीक, तो वो लोग जो विदेश से पैसा भारत में भेजता है उसको हम जीडीपी में जोड़ देंगे, और भारत में जो विदेशी रहता है ये लोग अपना पैसा जो अब दूसरे देश में भेजता है उसको हम घटा देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, जीएनपी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमारा निकल जाएगा। तो यहां आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अब हम लोग आ जाते हैं, मतलब यहां पे देखिए, और एक लाइन आप लोग थोड़ा समझ लीजिए कि जैसे देशवासियों के द्वारा, जैसे भारत का आदमी जो है विदेश से जो आय अर्जित करता है, जो इनकम करता है, उसको हम लोग जीडीपी में जोड़ देंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है, इनकम में जोड़ देंगे, और विदेश का आदमी जो भारत में इनकम करता है उसको हम लोग घटा देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, जीएनपी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, जीएनपी। अब जीएनपी के बाद जो है तीसरा हमारा, देखिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ये क्या होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसको हिंदी में निवल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल। नेट का मतलब दोस्तों शुद्ध होता है, शुद्ध, जैसे कोई चीज, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु, उसमें जो खराब मटेरियल उसको हम निकाल देंगे तो शुद्ध होगा कि नहीं होगा, तो नेट का मतलब ही क्या होता है, शुद्ध, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद। पहला दोस्तों लाइन आप लोगों को ये याद रखना, इस सबका फुल फॉर्म क्या होता है, ये हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है, बेसिक चीजें हम लोगों को तकलीफ देता है, छोटा छोटा टॉपिक हम इग्नोर करेंगे, वही एग्जाम में हमको तकलीफ ज्यादा देता है। तो याद रखिएगा, निवल राष्ट्रीय उत्पाद का जब बात आता है, एनएनपी क्या होता है, देखिए एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो याद रखिएगा सकल घरेलू उत्पाद में, मतलब जीडीपी में, तो सकल घरेलू उत्पाद जो होता है, तो पूंजीगत वस्तु में बोल रहा है कि जो हास होता है, तो पूंजीगत वस्तु में जो हास होता है, पूंजीगत वस्तु में जो हास होता है, तो याद रखिएगा हास, या मान लीजिए घिसावट, घिसावट होता है, तो पूंजीगत वस्तु में जो हास हुआ या घिसावट हुआ, तो उसको यदि हम मान लीजिए घिसावट को यदि जीडीपी से यदि माइनस कर दें, तो हमारा क्या निकल जाएगा, तो एनएनपी निकल जाएगा। जैसे याद रखिएगा जीडीपी, इसमें यदि हम घिसावट को माइनस करें, तो जीडीपी में घिसावट यदि माइनस करेगा, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एनएनपी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एनएनपी हमारा निकल जाएगा। मतलब देखिए क्या है दोस्तों, बहुत ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हम एक मोबाइल खरीदे 10,000 में,
कितना हजार में खरीदे, 10,000 में। तो 10,000 में खरीदे थे हम 2010 में, अभी कितना चल रहा है तो 2020 चल रहा है। तो 10,000 में हम खरीदे थे तो उस समय उसका कीमत 10,000, अभी क्या हुआ कि उसमें घिसा करके खराब हो करके दाम घटेगा कि नहीं घटेगा उसका, तो उसका कीमत क्या हुआ, घट गया वर्तमान। तो वर्तमान में जब उसका कीमत घट गया तो हमारा जो पूंजी का जो हमारा जो लगा था उस समय जो कीमत था उसमें जो घिसावट तो हम माइनस किए, तो जीडीपी जितना हमको पूंजी लगा था उसमें हम घिसावट को माइनस कर दिए। तो माइनस करने के बाद जैसे मान लीजिए 10,000 में लिए थे हमको इसका, ठीक है, अब वो कितना हो गया वर्तमान में, तो हमारा वर्तमान में उसका कीमत कितना हो गया, तो 5,000 हो गया। तो मतलब याद रखिए इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा एमएनपी कितना हो गया, तो 10 में 5 माइनस कर दिया तो हमारा कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। सिंपल सा चीज है दोस्तों, बहुत इजी है कि हमारा पूंजीगत वस्तु में जो ह्रास मतलब घिसावट होता है उसमें कोई खराबी होता है तो उसमें दाम तो घटेगा, उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, तो एमएनपी निकलेगा। अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं चौथा नंबर में। तो चौथा नंबर में देखिए यहां आप लोगों का दिया हुआ होगा नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम बहुत इजी है, तो जो साधन लागत होता है, तो साधन लागत जो होता है ना, तो कोई सामान साधन लागत हम आपको अभी भी बताएं कि कोई सामान बनाने के लिए जो लागत आती है, सामान बनाने के लिए जो लागत होता है, तो अभी अभी बताएं कि सामान बनाने के लिए हमको लैंड का जरूरत, लेबर का जरूरत है ना, पूंजी का जरूरत, उद्यमी का जरूरत, ठीक। तो कोई सामान बनाने के लिए जो लागत आती है उसमें इनडायरेक्ट चार्ज को जोड़ करके, जैसे कोई सामान बनाने जैसे जितना भी लागत मतलब साधन लागत में, साधन लागत में यदि हम इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देते हैं, ठीक, साधन लागत में इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दिए और सब्सिडी को यदि हम घटा देते हैं, समझना है दोस्तों, साधन लागत में इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दिए और यदि सरकार सब्सिडी दे रही है उसको यदि हम मान लीजिए हम घटा दिए तो हमारा क्या निकल जाएगा, तो हमारा राष्ट्रीय आय निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, राष्ट्रीय आय। ये बहुत ही चीज है जो पहले ही हम आपको बता दिए कि एक साधन लागत हो गया, तो साधन लागत हुआ, तो साधन लागत हम आपको नहीं बताए जो 14 आपका 15 रुपया निकला था साधन लागत, तो साधन लागत हो गया तो उसमें टैक्स को जोड़ करके कितना हुआ था, 15 रुपए हुआ था, और उसमें सब्सिडी हमें 1 रुपया माइनस कर दिए तो माइनस करने के बाद कितना हो गया, 14 रुपए हो गया, तो वो हमारा क्या हो गया, तो नेशनल इनकम हो गया, क्या हो गया, राष्ट्रीय आय। उसी तरह दोस्तों याद रखिएगा एक है आपका प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय हम कैसे निकाल लेंगे, तो इजी है फॉर्मूला हम लिख दिए हैं कि प्रति व्यक्ति आय बराबर कैसे निकालते हैं, तो राष्ट्रीय आय जितना हुआ बटे जनसंख्या कर दीजिएगा, आपका प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा, राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि समझ में आया या नहीं आया। और ये हमारा चौथा टॉपिक है, इसके बाद जो है हम लोग इसी से जुड़ा हुआ, राष्ट्रीय आय से जुड़ा हुआ इसकी गणना की कुछ विधि के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ये टॉपिक हमारा अभी कंप्लीट नहीं है, इसके बाद आप लोगों को राष्ट्रीय आय से जुड़ा हुआ और एक वीडियो मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।